गहरे और अंधेरे रात की चादर बित चुकी थी और एक विशाल का एक फिल्म अभिनेता नहीं अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म की तैयारी कर रहा था वह एक दिलचस्प रोमांचक किरदार को पोर्ट्रेट करने के लिए उत्साहित था लेकिन उसकी जिंदगी का यह अगला चरित्र कुछ और ही लाया था शूटिंग के दौरान अक्षय को अजीब और डरीब सपने आने लगे थे वह हर रात एक अजीब चेहरा देखता था जो उसे डरा देता था उसके सपनों में एक अंधेरा और भयानक संगीत से सताने लगा था। धीरे धीरे वह इस रंगीन और संगीन चेहरे के आगे अपने आप को खो देने लगा उसकी जिंदगी में यह अजीब बदलाव नहीं था सिर्फ सपनों तक सीमित बल्कि उसकी वास्तविकता में भी उतना ही अंधेरा घेर गया था उसके दोस्त और सहकर्मी भी इस अजीब स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे एक दिन एक निर्देशक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान एक भयानक हादसा देखा अक्षय का रूप अचानक बदल गया उसकी आंखों में उस संगीनता का अदृश्य था जो उसके सपनों में आता था उसका व्यवहार भी अजीब हो गया था जैसे कोई अन्य प्राकृतिक शक्ति उसके ऊपर काबू पा ली हो निर्देशक ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन आदित्य बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ा रहा जैसे कि उसे कोई सुनता ही नहीं था निर्देशक को एक अजीब और भयानक वातावरण का अनुभव हुआ जिसमें वह एक नाकाम अभिनय फिल्म के लिए भीतर बाध्य किया गया था इस घटना के बाद फिल्म की टीम ने एक अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में जहां भी शूटिंग हो रही थी वहां कई पुरानी घटनाएं और कहानियां घटित हुई थी शायद कोई अत्याचार या कुछ और अजीब शक्तियां उस इलाके में बसी है जो अक्षय को प्रभावित कर रही है फिल्म की टीम ने एक विशेषज्ञ को बुलाया जो उस इलाके के बारे में अध्ययन कर सकता था विशेषज्ञ ने बताया कि शायद कोई पुरानी बराबरी या वंशज के द्वारा किए गए किसी अत्याचार का प्रभाव हो सकता है जो अब अक्षय को प्रभावित कर रहा है अक्षय की पत्नी भी उसके विचारों को समझने की कोशिश कर रही थी उसने अपने पुराने जानकारों से पूछा लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिला अक्षय की दिन रात की बदलती आदतों को देख कर उसकी पत्नी को भी एक अजीब और डरावना अनुभव होने लगा एक दिन जब ट्विंकल अपने घर में बगीचे में घूम रही थी उसने एक पुराने मंदिर को देखा वह उसे अपनी कदमों की ओर बढ़ते हुए देखने के लिए वास्तव में मजबूर हो गई मंदिर में जाते हुए उसने एक पुरानी पुस्तक खोजी जिसमें उसने एक पुरानी कहानी पढ़ी कहानी में बताया गया है कि शैतानी शक्ति अक्सर मानवों को प्रभावित करती है जिसका उपयोग उनकी भविष्यवाणी में और अधिक भयानक होता है ट्विंकल को यह लगा कि शायद अक्षय को भी कोई ऐसी सानझनी हो सकती है जो उसे प्रभावित कर रही हो अगले कुछ दिनों में ट्विंकल ने विशेषज्ञों से मिलने का इरादा बनाया और अक्षय को भी उसके साथ लेकर गई उन्होंने विशेषज्ञ को अक्षय की स्थिति के बारे में बताया और उनसे सहायता मांगी विशेषज्ञों ने अक्षय के ऊपर एक धार्मिक और अद्भुत रीति रिवाज का अनुष्ठान किया इस क्रिया के दौरान अक्षय के शरीर में कुछ अजीब घटनाएं घटित हुई और वह अपने आप को बाहर की दुनिया से अलग महसूस करने लगा क्रिया के बाद अक्षय का चेहरा शांत और प्रशांत था वो उसे लगता था कि कुछ भयानक शक्तियाँ उसके ऊपर अब नहीं है उनके दिल की धड़कनें भी निर्धारित तो और स्थिर थी फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हो गई और इस बार अक्षय ने अपने किरदार को नया जीवन दिया उनका अभिनय पहले से भी अधिक प्रभावित और प्रभावशाली हो गया था फिल्म का अंतिम सीन शूट हो रहा था जब एक दिन अक्षय ने अपने अभिनय के दौरान एक अजीब सीन देखा उसने अपनी कड़ी आँखों से एक भयानक अदृश्य देखा जो उसे पिछले कुछ महीनों से परेशान किए था लेकिन इस बार उसने उसे पहचाना और उसके साथ लड़ने का निर्णय लिया अक्षय ने उस अजीब शक्ति का सामना किया और उसे शांत करने की कोशिश की उसने अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अंत में उसने उस शक्ति को पराजित किया फिल्म की शूटिंग समाप्त हो गई और अंत में अक्षय ने अपनी जीत का जश्न मनाया उसने जीत का आनंद अपने परिवार और साथियों से बांटा और अपने अपने अनुभव की शिक्षा सीखी लेकिन क्या यह समाप्त हुआ क्या उस शक्ति ने वास्तव में उसको छोड़ दिया था या वह सिर्फ़ एक और एक अध्याय जो शुरू हुआ है यह जानना अब रह गया है कि क्या वास्तव में अक्षय का शैतानी प्रकोप समाप्त हो गया है या नहीं इसके बारे में जानकारी के लिए आप इसके दूसरे एपिसोड देख सकते हैं जो जल्दी आने वाला है कि आखिर अक्षय कुमार के साथ ऐसा क्या हुआ था